नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर पुलिस ने गुजरात में पकड़ी गई खेप के मामले में दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 किलो हेरोइन, 5 लाख रुपए की ड्रग मनी और 2 मोबाइल फोन किए बरामद। जालंधर में घरेलू विवाद के चलते पत्नी ने निकला जहरीला पदार्थ, हुई मौत। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब के डीजीपी की ओर से पंजाब में नशे को खत्म करने के लिए मुहिम चलाई गई है, जिसके चलते पंजाब पुलिस की ओर से नशा तस्करी खत्म करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी के चलते 5 महीने पहले गुजरात में पकड़ी गई 126 किलो हेरोइन का लिंक अब अमृतसर के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस कारण अमृतसर पुलिस की ओर से गांव भकना में से 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 किलो हेरोइन भी बरामद हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपीडी युगराज सिंह ने बताया कि अमृतसर देहात पुलिस की ओर से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि गुजरात में पकड़ी गई हेरोइन की खेप के मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 किलो हेरोइन, 5 लाख रुपए की ड्रग मनी और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों की पहचान गुरजंट सिंह उर्फ रंजीत सिंह उर्फ राणा के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। भकने के एरिए दे विचों जिहड़े आ 2 व्यक्तियों नूं गिरफ्तार किया गया, जिन्हां दे कोलों 2 किलो हेरोइन अते लगभग 5 लाख रुपए के करीब ड्रग मनी अते एक स्विफ्ट कार चिट्टे रंग की जी बरामद की गई। सो ये केस जिहड़ा हैगा, ये केस बहुत ही इंपोर्टेंट केस साबित होया, क्योंकि इहदी पुछगिछ दे विच जिहड़ियां चीज़ां अगे खुलासे होए ने वह बहुत अहम ने, और ये जिहड़े तार हैगे ने वह इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के नाल जुड़ते हैं। सो अज तो करीब 6 महीने पहला ATS गुजरात की टीम ने जिहड़े द्वारका पोर्ट सी पोर्ट राही जिहड़ा 126 किलो की कंसाइनमेंट जिहड़ी आई सी इंडिया दे विच पाकिस्तान तो, उहदे अगेंस्ट एक FIR दर्ज की सी, जिहदे विच एक फिशरमैन सीगा उत्थे अमीन नाम का एक व्यक्ति जिन्हों अरैसट किया गया सीगा, जिहड़ा 126 किलो हेरोइन पाकिस्तान तो इंडिया दे विच उहने समुंदर दे जरिए लैके आया सीगा। उहदे विच उहदा जिहड़ा लिंक हैगा सी अमीन दा, वह पाकिस्तान बेस्ड एक सिकंदर नाम का समगलर हैगा आ, जिहड़ा उहने उहनूं कंसाइनमेंट जिहड़ी उह भेजी सीगी। सो उहदे अगे कंटीन्यूएशन दे विच साडी टीम ने वर्क किया हैगा, और मैं वधाई दिंदा आ साडी समुची अमृतसर देहाती की पुलिस टीम नूं, स्पैशली इंस्पैक्टर अमनदीप अते इंस्पैक्टर अजयपाल नूं, के स्पैशल सैल की टीम ने बहुत वधिया कारगुजारी की। जालंधर के बस्ती पीर दाद के अधीन आते पन्नू विहार में घरेलू विवाद के चलते पत्नी ने जहरीला पदार्थ निगल लिया, जिसकी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। मृतका की पहचान किरणदीप कौर पत्नी बलविंदर सिंह के तौर पर हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मृतका की माता ने बताया कि किरणदीप पिछले 4 महीनों से अपने पति के साथ लड़कर अपने मायके परिवार में रह रही थी। कुछ दिन पहले पंचायती राजीनामा भी हुआ था, जहां पति से परेशान किरणदीप ने पति का साथ रहने से इनकार कर दिया था। गत रात्रि 9:30 बजे उसका पति घर आया और उसे मनाने के लिए जहर पीने का ड्रामा करने लगा। इस दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ने पति से जहर पकड़कर खुद पी लिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस जांच अधिकारी का कहना है कि पारिवारिक सदस्यों की ओर से जो बयान दिए जाएंगे उनके आधार पर ही अगली कार्यवाही की जाएगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कौन आया सी थोड़ा? रोना। की नाम होना था? बलजिंदर। अच्छा जी। ਮੁੜਕੇ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਦੀਦੀ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਮੁੜਕੇ ਵੀ ਨਾ ਲਾਤਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪਵਾਏ, ਉਹਦੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਪਵਾਏ? ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਤਾ, ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿੰਦੂ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ ਘਰੋਂ। ਅਤੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਪੀਣੀ ਆਹ ਕਰਨਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੂਠਾ ਪੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਗਏ ਵੇਖਣ,
ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਜਾ ਮਾਰਨ ਦਿਆ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿਓ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿਓ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨ ਝੋਰ ਥੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੀ ਲਈ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਢਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਦੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਆਇਆ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪ ਮਰ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਪੀਤੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਪੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹੀ ਕੁੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਜੋ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਪੀਤੀ ਸੀ ਹੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਪੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਪੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਪਿਆ ਜੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੀਤੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੀ ਲਈ ਦਵਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕਿ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਨੀਤਾ ਪੁੰਜ ਕੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇ पुलिस कमिश्नर जालंधर गुरुशरण सिंह संधु और कमिश्नरेट पुलिस के अन्य अधिकारियों की ओर से पुलिस पार्टी सहित अलग अलग धार्मिक स्थानों का दौरा किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर गुरुशरण सिंह संधु ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य शहर में धार्मिक स्थानों पर मुख्य सदस्यों को मिलना और धार्मिक स्थानों की सुरक्षा CCTV कैमरे व अन्य उचित प्रबंधों का जायजा लेना था ताकि शहर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कायम रखा जा सके। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आज जालंधर कमिश्नरेट के एरिया विच स्थित वख-वख धार्मिक स्थानों की सुरक्षा प्रबंधा का जायजा लैन और समीक्षा करने वास्ते श्रीमती अनीता पुंज IPS ADGP पहुंचे और उन्होंने सवेरे 11 बजे तो लैके शाम 4 बजे तक वख-वख महत्वपूर्ण मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर सुरक्षा प्रबंधा का जायजा लिया और इन स्थानों के प्रबंधकों नाल इंटरैक्शन भी किया और इस दौरान उन्होंने इस गल को विशेष तौर पर चेक किया कि इतने CCTV कैमरे लगे हुए हैं कि नहीं और किस तरह के सुरक्षा का प्रबंध है। सारे जलंधर शहर के जिन्हें भी धार्मिक स्थान हैं उन्होंने सुरक्षा प्रबंधा की समीक्षा विस्तार पूर्वक की गई है और उन्होंने हदायत की है कि इस तरह इन सुरक्षा प्रबंधों आने वाले समय के भी जारी रखा जाए और जरूरत मुताबिक होर भी मजबूत बनाया जाए। अमृतसर जिला प्रशासन की ओर से रेड क्रॉस सोसाइटी में स्थापित किए गए पंघूड़ा में एक और नन्ही बच्ची आई है। इस बच्ची को रेड क्रॉस सोसाइटी की चेयरपर्सन डॉक्टर गुरप्रीत कौर जोहल सूदन और सहायक आयुक्त गुरसिमरनजीत कौर ने पालने में बच्चे की अगवानी की और स्वामी गंगानंद भूरी वालों ने लापा योजना के तहत इस प्रक्रिया को पूरा किया। इस मौके पर डॉक्टर गुरप्रीत कौर जोहल सूदन ने बताया कि इस व्यवस्था के तहत अब तक 156 लड़कियाँ और 31 लड़के आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि बीती 25 अगस्त को रात 11:15 के करीब कोई अनजान व्यक्ति बच्ची को पंघूड़े में छोड़ गया था जिसका मेडिकल पार्वती देवी अस्पताल रंजीत एवेन्यू में करवाया गया और इस समय बच्ची बिल्कुल तंदुरुस्त है, इसलिए इस बच्ची के पालन पोषण और कानूनी अडॉप्शन के लिए डिप्टी कमिश्नर द्वारा इसे सरकार की ओर से निर्धारित संस्था में भेजा जाएगा, जहां पहले भेजे गए बच्चों की तरह सरकार की ओर से निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के उपरांत संस्था की ओर से इस बच्ची की जरूरतमंद परिवारों को अडॉप्शन करवा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए और लड़कियों को भी अपनाना चाहिए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ये पंघूड़ा स्कीम जिहड़ी है रेड क्रॉस वालों जो है 2008 दे विच स्टार्ट की गई सी। इहदे विच जो है लास्ट फ्राइडे 187 बच्चा जिहड़ा है रिसीव होया है एंड टिल नाउ 31 मेल्स रिसीव होए ने पंघूड़ा दे विच
ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਫਰਾਈਡੇ ਹੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਾ ਕਾਫੀ ਅੰਡਰਵੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਲਾਪਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਛੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੀਗਲ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਕੋ ਖੇਲੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਚਲਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2022 ਕਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਲੰਧਰ ਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਆ ਗਿਆ ਥਾ। इसी के तहत नाभा के सरकारी रिपुदमन कॉलेज के मैदान में जिला स्तरीय समागम करवाया गया, जिसमें नाभा ब्लॉक के अलग अलग स्कूलों के बच्चों ने खेड़ा वतन पंजाब दिया में भाग लिया। इस समागम में नाभा से विधायक गुरदेव सिंह देवमान ने मुख्य मेहमान के रूप में शिरकत की और नौजवानों को बढ़ चढ़कर खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने नौजवानों को बिल्कुल भी खेलों के प्रति प्रेरित नहीं किया था, जिस कारण नौजवान नशे की गिरफ्त में रहते थे क्योंकि सरकारें खुद नशा बिकवाती थी। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। साड़ी सरकार साडे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान वालों अज खेडां वतन पंजाब दे तहत हरेक विधानसभा जिला पटियाला हरेक विधानसभा दे विच खेडां दा आयोजन किया गया, जिहदे विच ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਸ ਅਜੇ ਬਿਗੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਔਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ IQ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਸ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ। ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਲੋਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ MLA ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਰੇ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਹੈਗੀ। ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੋ ਸਮਰਪਿਤ ਔਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੇਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਕੇ ਮਹੱਤਵ ਪਰ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਮੇਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਇਕਾਈਓ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਓ ਔਰ ਜੋਨ ਨੇਤਾਓ ਨੇ ਭਾਗ ਲੇਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਲੋਕੋ ਕੋ ਭਰਮ, ਵਹਿਮ ਔਰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬਾਓ ਕੀ ਬਾਤੋਂ ਮੇਂ ਨਾ ਆਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਹਾ। इस अवसर पर प्रमुख वक्ता राज्य प्रधान मास्टर राजेंद्र सिंह भदौड़ और रंजीत कौर ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि सेमिनार में बताया गया है कि नौजवान पीढ़ी को शहीद आजम भगत सिंह की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहिए और वर्तमान युग में वैज्ञानिक सोच से काम लेकर हम सबको भ्रम, वहमों एवं पाखंडी बाबाओं से दूर रहना चाहिए। इस दौरान उन्होंने लोगों को तर्कशील सोसाइटियों से जुड़ने की अपील भी की ताकि तांत्रिक बाबाओं का पर्दाफाश किया जा सके। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। साड़ी जिहड़ी तर्कशील सोसाइटी आ, जिहड़ी साड़ी सूबा कमेटी आ, उहदा हमेशा इह उहनां दा रहिंदा कि असीं अपने साथियों नूं जिहड़े लोकल लैवल ते कम करदे, इकाइयां विच कम करदे आ जां नवें जुड़े साथी आ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਟਾਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਹੀ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
इन्हां दी तर्कशील सोसाइटी इन्हां लोकां दी निंदा करदी है जिहड़ी उसकी विचारधारा नूं रद्दोबद्दो करके लोकां दे विच उसनूं अतवादी का सरूप देना चाहुंदी आ। इस करके तर्कशील सोसाइटी लोकां विच अध्ययन करन दी तर्क करन दी विचारधारा नूं लैके जाण लई लोकां नूं प्रेरदी आ और लोकां नूं सिखाउंदी आ कि क्यों ते किवें नाल जीवन हालतां नूं चंगा बनाया जा सकदा। गत दिनों पट्टी में चर्च में हुई तोड़फोड़ को लेकर पूरे क्रिश्चियन समाज में रोष पाया जा रहा है, जिसके चलते अमृतसर में पंजाब की अलग अलग चर्चों के बिशप द्वारा इकट्ठा होकर एक प्रेस वार्ता की गई। इस मौके पर डायोसिस ऑफ अमृतसर के बिशप डॉक्टर पी के सम्मत राय, जो कि मसीही महासभा के प्रधान भी हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब का मसीही भाईचारा इन हमलों की सख्त निंदा करता है। उन्होंने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लगाए जा रहे दोषों को रद्द करते हुए कहा कि दोष लगाने वाले इस संबंध में तथ्य भी पेश करें, बिना सबूतों के दोष लगाना ठीक नहीं। उन्होंने बताया कि मसीही भाईचारे ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि राज्य में शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए 3 सितंबर को चर्चों में कैंडल मार्च और प्रार्थना सभाएं की जाएंगी। इस मौके पर जालंधर डायसिस के बिशप एग्नेलो ग्रेशियस ने बताया कि उन्होंने जायजा लेने के लिए घटनास्थल का दौरा किया है और सभी को शांति बनाए रखने के लिए कहा है। उन्होंने सभी लोगों को ऐसे हमले से सुचेत रहने के लिए कहा है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अनफॉर्चुनेटली समय समय पर कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाता है जिसमें कि एक कम्युनिटी में एक डेंजर आ जाता है कि जो पीस एंड हार्मोनी के लिए जिसके लिए चर्च कमिटेड है और जो बिब्लिकल प्रिंसिपल हैं कि जिसमें कि मानवता को लेकर भाईचारे के लेकर हम बातों को बढ़ाते हैं और सारे रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। समटाइम्स कुछ इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, समटाइम्स कुछ रेस्पॉन्सिबल लोगों के इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स और कुछ काम ऐसे होता है। अभी अभी जो पंजाब में हो रहा है मेरे से प्रेस को ज़्यादा पता है, पर ये अनफॉर्चुनेट है, ये नहीं होना था। तो आज इसलिए एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई जिसमें कि चर्चेस के हेड्स पूरे पंजाब के यहाँ बैठे हैं और हमने ये निर्णय लिया है सबसे पहले कि हम जो आज तक पंजाब में पंजाब की परंपरा के हिसाब से सब धर्म के लोग के साथ, सिख हिंदू मुसलमान सबके साथ मिलकर हमने जो सहभागिता में उनके फेलोशिप में जीवन बिताया है उसको एक्नॉलेज करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। और अभी इंसिडेंट के बाद जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया और इंक्वायरी बैठाई और प्रशासन का जो इमीडिएट स्टेप्स रहा उसको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। और उसके साथ साथ ये घटना का हम खंडन करते हैं कि किसी भी हिंसा उसको हम खंडन करते हैं और उसके पीछे जिनका भी हाथ है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और उनको उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है उसके लिए देश के कानून है। हमने डिसाइड किया है नंबर 1 कि हम पूरे क्रिश्चियन कम्युनिटी और पूरे पंजाब के वासियों को कहते हैं कि शांति हम मेंटेन करें और बाइबल हमें ये सिखाती है कि शांति, प्यार और भाईचारा, ठीक है, जो कि आप भी विश्वास करते हो। नंबर 2 कि हम जो होल पंजाब में ये 3 तारीख को इवनिंग में हम एक कैंडल मार्च, कैंडल प्रेयर मार्च करने जा रहे हैं। पूरे पंजाब के लोग, हो सकता है कि बाकी स्टेट के लोग भी उसमें शामिल हो, पर दिस इज समथिंग वी हैव डिसाइडेड टू हैव ए पीस कैंडल मार्च। और ये हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जो भी मार्च में निकलेंगे वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको प्रोटेक्शन देना, ताकि उनको ना रोकें पर आदर उनको प्रोटेक्शन दें। पंजाब का माहौल आजकल काफ़ी ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पंजाब में क्रिश्चियन भाईचारा और निहंग सिंह जत्थेबंदियां आमने सामने नज़र आ रही हैं।
तो वही क्रिश्चियन भाईचारे की ओर से अब बंदगी करने की बात कही जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ निहंग सिंह जत्थेबंदियों की ओर से बंदगी ना करने के लिए भी चेतावनियां दी जा रही हैं, जिसके चलते पंजाब के ADGP डॉक्टर नरेश अरोड़ा अमृतसर पहुंचे, जहां पर उन्होंने क्रिश्चियन भाईचारे के साथ मुलाकात कर उन्हें विश्वास दिलाया कि जो भी व्यक्ति इस घटना के पीछे दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही जरूर की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब के माहौल को किसी भी कीमत पर खराब नहीं करने दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि क्रिश्चियन भाईचारे के साथ जो मीटिंग हुई है वह काफ़ी अच्छे माहौल में हुई है और वे चाहते हैं कि उनकी ओर से किसी भी तरह की हुल्लड़बाजी ना की जाए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज ना हमारे डीजीपी साहब के आदेश के अनुसार तो सारे पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट में हमने ये स्पेशल सिक्योरिटी चेकिंग अभियान चलाया है। इसमें जो भी रिलीजियस प्लेस खास करके सभी धर्मों के उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट उनके जो फिक्स सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं तो उन पे खास ये ऑपरेशन हर ज़िले में चलाया जा रहा है और हेडक्वार्टर से सीनियर ऑफिसर्स हर डिस्ट्रिक्ट में तैनात किए गए हैं जो अपने लोकल फोर्स के साथ लोकल CP SSP के साथ जाके इन सब प्रबंधों का जायजा ले रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वहाँ जो लोकल पुलिस लोकल ऑफिसर उन्होंने वो पूरे सबूतों के हिसाब से पूरे डिटेल में उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जैसे ही उसका इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट होगी वो आपसे शेयर करेंगे। देखिए बेसिकली एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं वो पीस को डिस्टर्ब करने के लिए और ये से कोई ना कोई अपना क्रिएट करते रहते हैं, रिफ्ट क्रिएट करते हैं, कोई ना कोई इंसिडेंट से करते हैं। तो पुलिस जो है हम लोगों के साथ मिलकर ऑर्गेनाइजर के साथ मिलकर वो सारा अपने सुरक्षा प्रबंध करती है और इसमें बेसिकली जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उन ऐसे रिलीजियस प्लेसेस के लोग जो आम लोग हैं लोग जनता हमारे पंजाब के लोग हैं वो हमेशा ही ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। अमृतसर पुलिस ने गुजरात में पकड़ी गई खेप के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 किलो हेरोइन, 5 लाख रुपए की ड्रग मनी और 2 मोबाइल फोन किए बरामद। जालंधर में घरेलू विवाद के चलते पत्नी ने निगला जहरीला पदार्थ, हुई मौत। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।